धनबाद के कोयलांचल में बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के उद्देश्य से एसएसपी ने जवानों को संयुक्त ब्रीफ किया और इसी के साथ अपने ड्यूटी को चुरुस्त दुरुस्त तरीके से निभाने का निर्देश भी दिया है। देखिए, लगातार त्योहार का समय आ रहा है तो अपराध कर्मियों के द्वारा भी उनकी सक्रियता बढ़ती है। धनबाद कोयलांचल में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने पुलिस लाइन में टाइगर जवानों, मोबाइल गश्ती दल और पीसीआर वैन के जवानों को संयुक्त रूप से ब्रीफ किया और अपने ड्यूटी को चुस्त दुरुस्त तरीके से निभाने का निर्देश दिया। उन टाइगर जवानों, पीसीआर वैन और मोबाइल जवानों को फटकार लगाई जो ड्यूटी के दौरान अनियमितता बरतते हुए पकड़े गए थे। एसएसपी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पीक आवर में शहर की ट्रैफिक समस्या विकराल होती जाती है। वहीं कई पीसीआर वैन में जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं लेकिन उनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आगे से ऐसी गलती देखने को मिली तो सख्त कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। पूजा के मद्देनजर विशेष हिदायत बरतने का भी निर्देश एसएसपी के द्वारा दिया गया। मौके पर सिटी एसपी, कई डीएसपी व तमाम थानों के थानेदार भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। बढ़ते अपराध और पूजा को लेकर, अपराध की घटनाओं के अलावा पूजा का भी अभी समय है और बहुत खासतौर पर अभी लगातार त्यौहार का समय आ रहा है तो अपराध कर्मियों के द्वारा भी उनकी सक्रियता बढ़ती है। तो इस समय हम लोगों को विशेष रूप से जरूरत पड़ती है कि हम लोग अपना जो पुलिसिंग है उसकी विजिबिलिटी बढ़ाएँ, उनका जो काम है उसको और बेहतर तरीके से करें। तो एक ब्रीफिंग की जरूरत उसके लिए हम लोगों को थी भी, तो आज टाइगर मोबाइल, CCR और जो लोकल लोकल जो टाउन का जो गश्ती है, इन सभी को एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें उनकी विजिबिलिटी को लेकर के, उनका मूवमेंट को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, थानों के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर के और हमारे स्तर पे भी जो सीनियर जो अफसर हैं यहाँ पर, DSP एंड CTSP हैं, इंस्पेक्टर रैंक के भी अफसर हैं, तो उन सब के द्वारा उनका कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा और उसको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसके लिए एक ब्रीफिंग थी और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। हाईवे पर शाम को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शाम को खास करके हाईवे पर। हाँ नहीं तो उसमें भी हमारा वहाँ पर पोस्ट है, एक तो गोविंदपुर के पास पहले हमारा नहीं रहता था तो उसमें हम लोगों ने ऐड किया है, एक जो मेमको मोड़ है वहाँ पर हमारा एक पोस्ट है लगातार, तो उनको हम लोग और एक्टिव करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का स्थिति तो हमेशा लगातार समस्या है ही। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।